वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं श्वेता शर्मा आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज मैं आपको क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का प्रैक्टिकल जो अब चल रहे हैं उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्या पूछा जाएगा, एग्जामिनर आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपको क्या क्या चीज़ें लर्न करनी हैं, इसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। प्रैक्टिकल में जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे टर्म टू के प्रैक्टिकल में, टर्म टू के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो करना है राग में आपको करना है। सिलेबस में आपको राग मालकोस आपके सिलेबस में है, थ्योरी में भी है और आपको ये प्रैक्टिकल में भी करना है। सबसे पहले आपको इसको थ्योरी लर्न करनी है। थ्योरी में क्या क्या चीज़ें लर्न करनी है, इसमें थाट क्या है, स्वर क्या है, वादी संवादी क्या है, ये किस समय गाया बजाया जाता है, इसका अंग क्या है। फिर इसके बाद आपको इसको प्रैक्टिकल में, इसको थ्योरी आपको पूरा करने के बाद आपको राग करना है। इसमें सिंगिंग में आपको इसका छोटा ख्याल, इसकी ताने, छोटा ख्याल मीन्स द्रुत ख्याल की ताने, आपको एक धमार करनी है। इसमें सिलेबस में आपके वन धमार है विद दुगुन और चौगुन, राग भैरव, राग बागेश्वरी और राग मालकोस। इन तीनों में से किसी एक राग में आपको एक धमार करनी है दुगुन चौगुन की लयकारियों के साथ, तो आप राग मालकोस का कर सकते हैं। मैंने अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को जो कराया है राग मालकोस में धमार कराया है। इसके बाद वन तराना करना है आपको, एनी वन राग। आपके सिलेबस में जो प्रैक्टिकल का जो सिलेबस दिया गया है उसमें, प्रैक्टिकल के सिलेबस में आपके हैं राग भैरव, राग बागेश्वरी और राग मालकोस, तो इनमें से किसी एक राग में आपको तराना करना है। तो ये था आपका प्रैक्टिकल में जो आपको सिंगिंग में करना है। एग्जामिनर की मर्जी होगी कि वो इसमें से कुछ भी सुन सकता है, कि हो सकता है आपसे केवल द्रुत ख्याल सुन ले, हो सकता है द्रुत ख्याल की एक लाइन सुन के उसकी ताने लगाने के लिए बोले। तो आपको चीज़ें सब चीज़ तैयार करनी है और बाकी आगे एग्जामिनर की मर्जी है कि वो आपसे क्या सुनेगा। इसके बाद थ्योरी में आपको मैंने बता ही दिया है कि राग की थ्योरी लर्न करनी है, राग का पूरा परिचय उस राग के बारे में आपको लर्न करना है, कि जैसे उसमें स्वर क्या है, गाधानी स्वर कोमल, इनके साइन क्या होते हैं, या फिर समय पूछा जाएगा तो ये किस समय, ये इसका समय क्या होता है, समय कितने बजे से कितने बजे तक का होता है। दूसरा है हमारा तानपुरा मिलाने की विधि के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो बच्चे कंफ्यूज हैं कि बच्चे सोचते हैं कि हमें तानपुरा दे दिया जाएगा और बोला जाएगा तानपुरे को मिलाइए। नहीं, आपसे इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा, आपसे केवल वर्बली पूछा जाएगा, तानपुरा आपको नहीं देकर बोला जाएगा कि तानपुरा मिलाइए। तानपुरा पूछा जाएगा कि तानपुरे की जो तारे हैं वो किस किस स्वर में मिलाई जाती हैं। सबसे पहले कि तानपुरे में कितने तारे होते हैं, तानपुरे में कितने तारे हैं, तानपुरे में चार तारे होती हैं, ठीक है। तानपुरे के जो तार हैं चारों तार किन किन स्वरों में मिलाए जाते हैं वो मैंने थ्योरी में आपको कवर किया कराया हुआ है। पहले तार को किन किन स्वरों में मिलाते हैं, अगर किसी राग में पा स्वर वर्जित है या किसी राग में मा स्वर वर्जित है या मा और पा दोनों स्वर वर्जित हैं तो वह किन किन स्वर, किस स्वर में मिलाया जाएगा, या जोड़ी के तार कौन से हैं और किन स्वर में इनको मिलाया जाता है, जोड़ी के तार किन स्वरों को बोला जाता है। दूसरी और तीसरी तार को हम जोड़ी के स्वर बोलते हैं। ये तार, दूसरा फिर आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा तार किस किस धातु के बने होते हैं, जैसे मैंने थ्योरी में कवर, आप मेरा थ्योरी का वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने सब कवर कराया हुआ है कि इसमें पहला तार किस स्वर में मिलाया जाता है, दूसरा तीसरा चौथा किस किस स्वर में मिलाया जाता है। तो ये तानपुरे से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यही टर्म टू में आपके सिलेबस में है। इसके बाद आप ताल, कोई भी सिलेबस की टर्म वन की ताल आप कर सकते हैं, टर्म टू में सिलेबस में नहीं है, लेकिन ताल हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है मेरे अकॉर्डिंग। एक ताल आपको हाथ पर लगाकर भी दिखानी चाहिए, एक ताल आपको कोई भी जब टर्म वन के जैसे रूपक ताल या झप ताल कोई भी हाथ पर लगाकर आप प्रिपेयर रखें, बाई चांस अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है तो आपको वो सुनानी होगी। तो इसकी एकुन दुगुन और चौगुन आपको हाथ पर लगानी आनी चाहिए और जिस ताल के बारे में आप हाथ पर लगाकर दिखाने वाले हैं, जिस ताल को आप हाथ पर लगाकर दिखाने वाले हैं उसका परिचय भी आपको पता होना चाहिए। तो बस आपको मैं बताती हूँ आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, राग मालकोस का परिचय, द्रुत ख्याल, वितान, तराना, धमार, तानपुरा मिलाने की विधि और एक कोई भी ताल हाथ पर लगानी। तो इस प्रकार मैंने आपको पूरा प्रैक्टिकल सिलेबस के बारे में आपको बताया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।